क्या एजेंट को लाख डेढ़ लाख भर के वीजा लेके गल्फ कंट्री आना सही रहेगा? ओवर टाइम या विदाउट ओवर टाइम में आना सही है? जेन्युइन ऑफिस से आना सही है या फिर एजेंट को पैसा देके आना सही है? अगर गल्फ कंट्री आ भी गए तो कितना पैसा इंडिया भेज सकते हैं? टेक्निकल काम में आना है या नॉन टेक्निकल में आना सही रहेगा? इन सारे सवालों को जवाब मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आप गल्फ कंट्री आने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि आपको गल्फ कंट्री में आना है तो किस काम में आना है, अगर नहीं आना है तो क्यों नहीं आना है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गर्ल्स बैट ट्रेवलर को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त सईद अनिसुर रहमान आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, गल्फ कंट्री हर कोई आना चाहता है, रीजन एक ही है, कम टाइम में ज्यादा अर्न करना है। दोस्तों, आप भी अर्न करना चाहते हो इसलिए आने के लिए सोच रहे हो, मैं भी अर्न करना चाहता हूं इसलिए गल्फ कंट्री आया हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको आना है या नहीं आना है। और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। अगर आप नॉन टेक्निकल काम में आते हो, जैसे कि हेल्पर, वेटर, पैकिंग के काम में, अगर इन कामों में आप गल्फ कंट्री में आ रहे हो, किसी भी कंट्री में, चाहे दुबई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, इन सब कंट्रियों में इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है 1000 से 1200 रियल के अंदर रहता है, दुबई के अंदर दराम रहता है। तो दोस्तों, अगर आप 1000 रियल बेसिक पे आ रहे हो, आपको कंपनी खाने के लिए देता है 300 रियल। दोस्तों, ज्यादातर कंपनी 300 रियल देता है, लेकिन आज के दौर में सऊदी अरब चाहे दुबई हो, आप दो तीन आदमी भी मिलकर बनाएंगे तो आपको 350 रियल खर्चा हो जाएगा, ऊपर से मोबाइल का खर्चा अलग, हर किसी का अलग अलग, किसी का 100 रियल, 150 रियल, किसी का 50 रियल। मैं मिनिमम 50 रियल पकड़ लेता हूं, आप कैसे भी करके 400 रियल आपको अपने ऊपर खर्चा करना ही होगा। तो दोस्तों, अगर आप 1000 रियल पे आ रहे हो और आपका 300 खाने का है तो आप कितना अर्न कर रहे हो? 1300 रियल। 400 रियल आपका खाने का जा रहा है, बच रहा है कितना? 900 रियल। अभी का करेंसी के हिसाब से 22 रियल होता है। तो आप यहाँ पे बेसिक 8 घंटा काम करके इन तीनों काम में, वेटर, पैकिंग या हेल्पर में, आप 20,000 इंडिया भेज सकते हैं। अगर आप 1200 रियल बेसिक पे आ रहे हैं तो आपको खाने का 300 और आपका खर्चा जो 400, तो आपका 1100 रियल बच रहा है। 22 करेंसी के हिसाब से आप 24,000 इंडिया भेज सकते हो विदाउट ओवर टाइम। अगर आप ओवर टाइम पे आते हो, 4 घंटा आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, 12 घंटा आपका ड्यूटी हो जाता है, तब आपका इन कामों में ओवर टाइम जो ओवरेज है, मैं पकड़ा हूं 500 रियल। आप अगर 1000 रियल बेसिक पे आ रहे हो तो आपका 1000 रियल, 300 खाना और 500 ओवर टाइम, कितना कमा रहे हो? 1800 रियल। आपका खाने का खर्चा, अपने ऊपर जो खर्चा है वो 400 रियाल ही है। तो आप कुछ भी करके आप इंडिया भेज सकते हैं 31,000 इन कामों में 12 घंटा काम करके। लेकिन अगर आप 1200 रियाल बेसिक पे आ रहे हैं तो आपका 500 रियाल ओवर टाइम है और 300 खाने का है। तो दोस्तों, 1500, 500, 2000 रियाल, उसके बाद आपका खाने का 400 माइनस करके 1600 रियाल, 22 के करेंसी के हिसाब से 35,000 आप भेज सकते हो विदाउट ओवर टाइम। फिर एक बार रिव्यू कर देता हूं, अगर आप 1000 बेसिक पे आ रहे हो तो आप अपने ऊपर खर्चा करके इंडिया 20,000 ही भेज सकते हो। अगर आप 1200 रियल बेसिक पे आ रहे हो तो आप 24,000 इंडिया भेज सकते हो। अगर आप ओवर टाइम लेके आ रहे हो तो आप 31,000 इंडिया भेज सकते हो। अगर आप 1200 बेसिक पे ओवर टाइम लेके आ रहे हो तो आप 35,000 इंडिया भेज सकते हो इन नॉन टेक्निकल कामों में। अभी बात कर लेते हैं टेक्निकल कामों में। अगर आप टेक्निकल हो या नहीं हो तो आप कुछ कोर्स कर लीजिए, जैसे वेल्डर का, फिटर का, पाइप फिटर का, पाइप टेक्नीशियन का, एसी टेक्नीशियन का, एचबी टेक्नीशियन का, इन सब काम अगर आप सीख लेते हो या फिर आपका कोई कोर्स है आप कर लेते हो, तो दोस्तों आप इन्हीं कामों में
आ सकते हो और ज्यादा अर्न कर सकते हो। इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है गल्फ की अंडर कंट्री में वो 1400 से लेके 1600 रियल रहता है। मैं पहले विदाउट ओवर टाइम कैलकुलेट कर देता हूँ। अगर आप 1400 रियल आ रहे हो तो आपका खाने पीने का वही 300 रियल, तो आप कितना अर्न कर रहे हो? 1700 रियल। उसके बाद आपका अपने ऊपर जो खर्चा है 400 रियल, तो आप बचा रहे हो 1300 रियल। मतलब आप इंडिया भेज सकते हो टेक्निकल काम में 8 घंटे काम करके 28,000। अगर आप 1600 बेसिक पे आ रहे हो, वही आपका खाने का 300-1900 और अपने ऊपर खर्चा करके 400-1500 बचता है, तो आप 33,000 इंडिया भेज सकते हो। तो दोस्तों अगर आप 1400 बेसिक पे आ रहे हो टेक्निकल कामों में, इन सब कामों में जो मैं बोला, ये तो आप 28,000 आप भेज सकते हो 8 घंटे काम करके। 1600 बेसिक पे आ रहे हो तो 33,000 इंडिया भेज सकते हो। अगर इन्हीं काम में आप ओवर टाइम आते हो तो आपको अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि इन कामों का ओवर टाइम बहुत ज्यादा चलता है। इन वेल्डर, फिटर, पाइप फिटर, फेब्रिकेटर, टेक्नीशियन, चाहे कोई भी टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिकल किसी भी टेक्नीशियन हो, आपको इन काम में आते हो तो आपको अच्छा खासा ओवर टाइम मिलता है। मैं कम करके एवरेज मिला के आपको 800 रियल पकड़ रहा हूं। तो आप अगर 1400 रियल बेसिक पे आते हो तो आपको खाने का 1700 रियल, 300 रियल, तो 1400-1700 रियल, और आपका जो ओवर टाइम है 800 रियल, 2500 रियल आप कमाते हो, अपने ऊपर खर्चा करते हो 400 रियल, तो खर्चा करके भी आप ओवर टाइम लेके 46,000 आप इंडिया भेज सकते हो इन कामों करके। अगर आप 1900 रियल पे आप आ रहे हो, सॉरी, आप अगर 1600 बेसिक पे आ रहे हो तो आपका खाने का 300 मिलता है, तो 1900, उसके बाद 800 आप ओवर टाइम 2700 रियल, और खाने का आपका 400, तो आपको 23,000 बचता है, तो आप 50,000 भेज सकते हो। एक बार रिव्यू कर देता हूं, आप अगर टेक्निकल इनकम में आते हो, वेल्डर, फिटर, पाइप फिटर, फेब्रिकेटर, तो आप बिना ओवर टाइम के 8 घंटा काम करके 1400 रियल जिसका सैलरी है वो 28,000 इंडिया भेज सकते हैं, जिसका 1600 बेसिक है वो 33,000 भेज सकते हैं, जिसका 1400 रियल बेसिक है ओवर टाइम करके 46,000 तक इंडिया भेज सकते हैं, जो 1600 बेसिक लेके आ रहे हैं ओवर टाइम करके 50,000 बेसिक भेज सकते हैं इंडिया के। सो दोस्तों आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा काम में आना है, टेक्निकल काम में या नॉन टेक्निकल काम में। दूसरी बात, आप खुद विचार कर लीजिए कि आप जो एजेंट के पास से आ रहे हैं 1-1.5 लाख भर के, इन्हीं काम को आपको मिलता है 60,000-50,000 में, वो भी जेन्युइन कंसल्टेंसी के द्वारा, जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलरली शेयर करता हूं। जो बंदा जुड़ा है उनको शेयर अभी तक मिल जाता है, आप अगर जुड़े नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको इन वैकेंसीज मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप एजेंट को इतना पैसा देके गल्फ की कंट्री में मत आइए, क्योंकि 1-1.5 लाख आपको उठाने में ही 4-5 महीना लग जाता है, उसके बाद आप 2 साल करके आप घर जाते हो तो आपको कुछ नहीं बचता है। तो दोस्तों एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, आप जेन्युइन जो ऑफिस है मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, उन ऑफिसों में से काम कराइए, आपको कम पैसे में आप गल्फ कंट्री आ सकती है, और आपको मैं सैलरी स्ट्रक्चर बताया, आप इतना पैसा इंडिया भेज सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, जहां पे मैं रेगुलरली जेन्युइन वैकेंसी शेयर करता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है जॉब रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।